नमस्कार, हिस्ट्री इन शॉर्ट की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सर्वाधिक मान्य वेद ग्रंथों में से एक यजुर्वेद की। यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद माना जाता है क्योंकि यह ग्रंथ यज्ञ आदि कर्मकांड संपन्न कराने के लिए संकलित हुआ था। इसीलिए आज भी विभिन्न संस्कारों एवं कर्मकांडों के अधिकतर मंत्र यजुर्वेद से ही होते हैं। प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी, किंतु मुख्य दो शाखाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में ब्राह्मण ग्रंथ के विषय भी मिश्रित हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, जिसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इसका अंतिम अध्याय दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक कहा गया है। यही अध्याय कुछ परिवर्तनों के साथ ईशावास्योपनिषद के रूप में आया। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। वहीं यजुर्वेद में कुछ मंत्र पाद्यात्मक और गद्यात्मक रूप से मिलते हैं, और इन मंत्रों के पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है।